भाई मैंने ना नोटिस करा है, बहुत लोगों को ये स्टोरी थी एक एक्चुअल में जो एक इन्होंने एडिशनल स्टोरी टाइप बनाई थी, बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया सिर्फ कि एक्चुअल सेन ऑफ लेजेंड था कौन, क्योंकि स्टार्टिंग ड्रैगन बॉल पे स्टार्टिंग से यही रेफरेंस होता है कि देर वॉज अ लेजेंड जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि मतलब फ्रीजा की जो पूरी फोर्स थी वो उससे डरती थी, ठीक है। और फ्रीजा ने भी बहुत बार मेंशन बाप किया रे, हुआ है ये चीज कि भाई वो चीज ना आए वापस, क्या कहते हैं, करंट उसमें, तो उसने पहली बार तो पूरा प्लेनेट उड़ा दिया इसी चक्कर में, ये बोल के कि भाई ये प्रिमिटिव एप्स और वो सब हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं जो कि मेरी रेस को दिक्कत दे देगा, तो उनको उड़ा दो। फिर ऊपर से वेजिटा आया गोकू की तरफ, गोकू इसने जैसी वो प्लैनेट नामक वाला सागा याद करो, जब फ्रीजा वेजिटा से लड़ रहा होता है तो वेजिटा रियलाइज कर लेता है उसके फाइनल फॉर्म याद को नहीं आ देख रहा के भाई। कि ये, अबे कोई नहीं मैं बता रहा ना, तुमने देखा ही कहा है भाई हाँ भाई, वो क्या कहते हैं उसको, उसके फाइनल फॉर्म को देख के वो यही सोचता है अबे ये तो वही लेजेंड हरा सकता है जो हमारे कहानियों में चलता आया है, और किसी को मतलब उन सब उस समय ना उनको पता नहीं था कि ये लेजेंड एक्चुअली में ट्रू हो सकता नहीं हो सकता, तो मैं एक्चुअली बताता वो लेजेंड क्या था, ठीक है। एक्चुअल में वो लेजेंड जो पहला सुपर सेन था वो कोई और नहीं, वो गोकू का ही पापा था जो कि बार्डॉक था। एक्चुअल में बात क्या हुई थी कि जब गोकू का डैड मरा था ना, उस हाँ समय वो सुपर सेन था ही नहीं, वो कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल सेन था, वो बस अच्छा अपने क्रॉस प्लानिटरी मिशंस करता था, वो लो क्लास सेन वॉरियर में आता था, जैसे ये था वो वॉरियर क्लास में था, वो वॉरियर, जैसे अच्छा प्रिंस क्लास होता है जो इसमें प्रिंस क्लास, वेजिटा हाँ वेजिटा आता वेजिट है है, हाँ वही, तो ये इंटरप्लैनेटरी मिशन करते थे, प्लैनेट्स को पूरा खाली करते थे और उसको बेचते थे दूसरी स्पीशीज को, ये उनका है काम था मेन। हाँ दे, ये जी, क्या महंगी कौन सा बातचीत है अमीर भाई, था ये क्या महंगी बातचीत है भाई, भाई ये तो वही तो बहुत इनका ना, इनका ना से इनका सेंस का काम यही था, ठीक है, ये करना इनका कि ये बेचते थे और भी सब। तो क्या हुआ कि जब बार्डॉक को रियलाइज हुआ ना कि फ्रीजा जो है बाप बहुत ज्यादा वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस जो है उसको बुला रहा है प्लैनेट की तरफ ये कहने की बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बट वो कुछ ना कुछ कर देगा, बार्डो को रियलाइज हो गया था ये, उसकी इंट्यूशन बहुत शार्प थी, तो भाई वो समझ गया था और वही हुआ, उसने फ्रीजा ने वो बड़ा सा गोला फेंक दिया उसके ऊपर यही सोच के कि भाई वो लेजेंड आना जाए वापस। अब बताता हूँ वो क्या था, बार्डो को एक बंदा आकर के बचाता है, ठीक है, और जब बार्डो की आंखें खुलती हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि एक न्यू सराउंडिंग में, और उसको सब याद होता है कि भाई फ्रीजा ने प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया वो सब, बट मैं किसी तरीके से बच गया, तो वो वापस आता है शुरू करता है, बस वो कहता है कि भाई मैं काश इतना स्ट्रांग होता कि उस समय मैं फ्रीजा को रोक पाता, तो वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब बार्डो की सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है फ्रीजा कहाँ है, क्या होगा, मेरे को अपने प्लैनेट का बदला लेना है, तो वो मेहनत करने लग गया, ये मेहनत देख करके भाई वो जो आसपास वाले लोग थे वो भी उसकी मदद करने लग गए, तो एक तरीके से उनका अटैचमेंट टाइप हो गया। अब क्या हुआ कि उसी प्लैनेट में एक और फ्रीजा टाइप कोई बंदा आ गया जो कि बिल्कुल फ्रीजा लुक लाइक था, बार्डॉक को समझ में आ गया कि चुप भाई ये, हाँ मतलब बार्डॉक को समझ में आ गया कि ये फ्रीजा टाइप ही है कोई, बट कोई और है, तो जब उसने वो करा ना कि क्या कहते हैं उसका नाम पूछा है, कुछ थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, तो पता चलता है कि वो एक, उसका नाम था कोल्ड, किंग कोल्ड, तो भाई उसको ने एकदम से पूरी हिस्ट्री याद आ गई कि भाई फ्रीजा का जो ग्रैंडफादर है कुछ था ना, मतलब कुछ ग्रेट एंसेस्टर, उसका नाम कोल्ड था, तो वो एकदम से रियलाइज करता है कि मैं शायद पास्ट में आ चुका हूँ, जिन्होंने मेरे को बचाया मैं पास्ट में मतलब किसी तरीके से आ चुका हूँ, वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा ब्रीफली कि ये हुआ क्या था, तो बहुत वो रियलाइज करता है कि भाई अगर मैं इसी को हरा दूंगा तो आगे चल के क्या होगा कि इसकी टाइमलाइन आएगी नहीं, अब फ्रीजा आएगा नहीं तो भाई उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो भाई उसने पूरी कोशिश करी फिर से करने की बट वो नहीं कर पाया, बार्डॉक नीचे गिरा पड़ा था, तो वो पीछे जो प्लैनेट वाले लोग थे वो देख करके बेचारे आते हैं इनकी तरफ भाग के बार्डॉक की तरफ कि भाई बचा लेंगे, बट वो सबको मार देता है जो कोल्ड होता है। अब तुम्हें पता है सुपर सेन कैसे बनता है, यही देख के जो अटैचमेंट थी बार्डॉक की उनकी तरफ, वो देख करके भाई एकदम से अंदर से फ्यूरी जागती है, वो सुपर सेन बन जाता है और वो कोल्ड के मेमोरी में ना छप जाती है एक फोटो की तरह कि भाई ये एक लेजेंड है, एक लेजेंड है, इसको आगे मतलब बार्डॉक ने उसको हरा दिया था बहुत गंदी तरीके से, तो जब उसका जो डेड डेड बॉडी है टाइप में जो था ना, जो उसकी बॉडी थी, जब उसको रिट्रीव करके उसके स्पेसशिप में लेके गए, उसके एंड वर्ड्स यही थे कि एक लेजेंड है जो कि इतना स्ट्रांग है हमारी रेस के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, वो उससे हमें बच के रहना होगा, तो वही बात आगे चलते 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 फ्रीजा तक फ्रीजा के आती है, अंदर और वही भाई, पूरा, हाँ पूरी ये यही पूरा स्टोरी लूप है, है, सेन ऑफ पूरा लेजेंड लूप हूज द एक्चुअल, वही भाई पूरा लूप, साहब, तो एक्चुअल में जो पहला सुपर सेन था ही वो बार्डॉक था। भाई के, अरे भाई साहब।